सिटी में एक किलर लड़कियों का मर्डर कर रहा था। फिर एक डिटेक्टिव को पता चला ये मर्डर से एक लड़की से कनेक्टेड है। तब स्टोरी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एक बड़ा सा रैकेट सामने आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है मर्सी, जिसे डायरेक्ट किया है डेमियन हैरिस ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 5.4/10। मूवी के स्टार्ट होते ही हम कैथी नाम की बंदी को देखते हैं। आज एक मर्डर हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो पहुंची हुई थी। पहले इस क्राइम सीन पर कुछ अलग ऑफिसर आए थे, लेकिन वो ये केस उनसे ले लेती है। इस लेडी का मर्डर बहुत ही बेरहमी से किया गया था और मर्डर करने से पहले उसे मेकअप भी लगाया गया था। उसकी बॉडी को उसकी फ्रेंड बिकी ने डिस्कवर किया। फिर कैथी जाकर बिकी से पूछताछ करती है, लास्ट टाइम तुम उससे कब मिली थी? विकी ने कहा, हम वीक में एक बार काम के बाद एक बार में जाते हैं, वहाँ से वो निकली और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। जब वो काम पर नहीं आई और उसका कोई भी पता नहीं था, ये सब सोचकर विकी थोड़ा परेशान हो गई और जब उसने घर पर आकर देखा तब उसका पहले से ही मर्डर हो चुका था। कैथी उससे पूछती है, क्या तुम्हें उसके रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता है? क्या ऐसा कोई होगा जो उसे मार सकता है? विकी ने कहा, ऐसा तो कोई भी नहीं है। कैथी जब अपने कोवर्कर के साथ बात कर रही थी तब हमें पता चलता है उस लेडी के बेटे हैं और हस्बैंड भी है। अचानक से वो घर से निकल गई थी और इसके बाद उसका मर्डर हो गया। इसके बाद अगले सीन में हमें एक थेरेपिस्ट उसके पेशेंट के साथ दिखाया जाता है। थेरेपिस्ट का नाम डोमिनिक होता है और उसकी पेशेंट का नाम मैलो था। मैलो उसे अपने बचपन की कहानी सुना रही थी। वो कहती है, जब एक दिन मैं अपनी आंट को ढूंढने गई तब वो किसी आदमी के साथ थी और उसके साथ वो इंटीमेट हो रही थी। ये स्टोरी सुनाने के बाद हमें पता चलता है डोमिनिक और मैलो में फिजिकल रिलेशन है और एक थेरेपिस्ट को अपनी पेशेंट के साथ फिजिकल रिलेशन रखना गलत बात है, लेकिन डोमिनिक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर मैलो शक करती है, क्या डोमिनिक का हर पेशेंट के साथ इसी तरीके का रिलेशन है? डोमिनिक कहता है, नहीं, तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। मैलो पूछती है, अगर अचानक से मैं गायब हो गई तो तुम क्या करोगे? डोमिनिक कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कैथी मर्डर सीन को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसने उस लेडी के बेडरूम में एक छुपाई हुई सूटकेस देखी। उस सूटकेस में बहुत अजीब तरीके की चीज़ें थीं, जैसे कि हैंडकफ्स, कटर्स वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं रात में कैथी एक बार में आती है और उसे एक मैकेनिक मिलता है। ये पुलिस है, इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था और वो मैकेनिक उससे नहीं डरता। इस वजह से कैथी उसके साथ इंटीमेट हो गई। इसके बाद हम डोमिनिक को अपने अलग पेशेंट के साथ देखते हैं जिसका नाम मैरी होता है। मैरी उसे अपने बचपन की एक स्टोरी सुना रही थी। वो कहती है, मेरी मदर बहुत ही खूबसूरत लेडी थी और मेरे फादर के गुजर जाने के बाद उसने एक और आदमी से शादी की थी। मैरी और उसके स्टेप फादर की रिलेशनशिप बहुत ही घटिया थी। मैरी डोमिनिक से कहती है, तुम ये जो सब मेरी स्टोरी सुनते हो, क्या तुम्हें सुनते हुए मज़ा आता है? डोमिनिक कहता है, ये सब मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए करता हूँ। इसके बाद हम कैथी को देखते हैं जो और भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विकी के पास आती है और उसे पता चलता है विकी की फ्रेंड कुछ दिनों तक उसके साथ रही हुई थी। कैथी पूछती है, क्या उस टाइम में तुम्हारे फ्रेंड की कोई भी रिलेशनशिप थी? तब उसने एक आदमी के बारे में बताया जिसका नाम गिल रेनॉल्ड्स था और उसकी भी शादी हो गई थी। फिर कैथी गिल के पास पहुंच जाती है। गिल का अपने अफेयर की वजह से डिवोर्स हो गया था। कैथी उससे पूछती है, तुम्हारे अफेयर की वजह से तुम्हारा डिवोर्स हुआ, क्या इस वजह से तुम गुस्सा थे? गिल कहता है, जिस रात मर्डर हुआ मैं अपने फ्रेंड के साथ था, इस मर्डर से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसे इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कैथी को उस लेडी के बेडरूम से फोटोज भी मिले थे जिसे मिटाया हुआ था। इसके बारे में वो गिल से पूछती है, लेकिन ये आदमी गिल नहीं था। फिर इस तरह की अलग अलग चीज़ें करने वाली एक जगह थी जहाँ पर कैथी पहुँच जाती है। वहाँ की फुटेज से उसे पता चला विकी यहाँ पर उसकी फ्रेंड के साथ आई हुई थी। इसका मतलब था विकी उसके साथ रिलेशनशिप में थी। कैथी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो विकी को कन्फ्रंट करती है। वो कहती है, तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। कैथी पूछती है, क्या और भी ऐसी कोई थी जिसके साथ तुम्हारी रिलेशनशिप थी? विकी ने एक और नाम लिया और उस लेडी का भी मर्डर हो चुका था। कैथी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, तुम दो मर्डर से लिंक हो। अब विकी को भी अपने DNA सैंपल्स वगैरह देने पड़ेंगे। कैथी पूछती है, जिन दोनों का मर्डर हुआ है क्या वो एक दूसरे को जानती थी? विकी ने कहा, हाँ। वो कहती है, लेडीज़ का एक सीक्रेट ग्रुप है जिनको एक अलग टाइप का इंटीमेट रिलेशनशिप अच्छी लगती है, ये सब इस ग्रुप में है। इनको मिलवाने का काम, इनके साथ पैसों के लिए इंटीमेट होने का काम विकी करती है। कैथी को ये बात बहुत ही घटिया लगती है। विकी कहती है, तुम्हें मेरे हालात के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर मुझे हमेशा सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता था।
कैथी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। इवनिंग में विकी एक ज्वेलरी शॉप में आती है। यहाँ पर वो मैलो से मिलती है। उसे मैलो का नेकलेस बहुत अच्छा लगा। फिर वो रात में मैलो के साथ इंटीमेट हो जाती है। अगले सीन में हम मैरी को डोमिनिक के पास फिर से देखते हैं। वो अपने बचपन की स्टेप फादर की स्टोरी उसे सुना रही थी कि किस तरीके से वो स्विमिंग पूल में उसकी बजा रहे थे। उसकी मदर ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं विकी को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। तब वो कैथी को कॉल करती है और कहती है, आज रात लेडीज़ की पार्टी होने वाली है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। वो इस पार्टी में गए जहाँ पर बहुत से इन्फ्लुएंसर लोगों की वाइफ वगैरह थीं। फिर विकी कहती है, क्या कभी तुम आदमियों से तंग नहीं आ जाती? तुम दिन भर काम करती हो और फिर तुम्हें आदमियों की सुनना पड़ती है। कैथी स्ट्रेट थी। तब वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये लिविंग रूम में जाकर ड्रग्स कर रहे थे, लेकिन कैथी को ये सही नहीं लगता और वो वहाँ से निकल आती है। जब वो केस के बारे में अपने कोवर्कर के साथ डिस्कस कर रही थी, तब उसे लगता है विकी पर उन्हें नज़र रखनी चाहिए। फिर यही चीज़ को अगले सीन में वो कर रहे थे, तभी विकी को एक अनजान आदमी का कॉल आया। वो आदमी उसे कह रहा था, तुम मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे मिलना है। विकी उसे मना कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, अगर तुम नहीं आई तो मैं सबको बता दूंगा। अब ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस थी। जहाँ पर उस आदमी ने विकी को मिलने के लिए बुलाया था, कैथी भी उस जगह पर पहुँच जाती है। एक सामने की बिल्डिंग से वो विकी पर नज़र रख रही थी। विकी एक अजीब से कॉस्ट्यूम में आकर खिड़की पर डांस करने लगती है। डांस करते करते अचानक से उसे किसी ने शूट कर दिया। कैथी ये जब देखती है, तब वो आदमी गिल रेनॉल्ड्स था। वो जल्दी से भागकर उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गिल यहाँ से भाग चुका था। बाद में विकी के पास आकर देखती है, तब विकी अब भी जिंदा थी। गिल और विकी अजीब तरीके का गेम खेल रहे थे। इन सारी चीज़ों को लेकर कैथी अपने कोवर्कर के साथ डिस्कस करती है। वो कहती है, गिल पहले आर्मी में एक शार्प शूटर था और उसने 100 से ज़्यादा किल की थी। शायद वो अपने आर्मी के डेज मिस करता है, इसी वजह से विकी के साथ ये गेम खेल रहा था। रात में कैथी ने विकी को बार में बुलाया। आज जो भी हुआ इसके बारे में वो विकी से पूछती है। विकी कहती है, ये सब नॉर्मल है, गिल मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा। बाद में कैथी को एक लड़की दिखी। कैथी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे ज़ोर से स्लैप करती है। फिर विकी उससे पूछती है, वो कौन थी? वो कहती है, मेरे एक्स हस्बैंड ने उसके साथ अफेयर किया था, इसी वजह से उनका डिवोर्स हुआ था। रात में जब कैथी और विकी घर पर आते हैं, तब विकी कैथी से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना कैसा होगा इसके बारे में क्यूरियस नहीं हो? वो उसे किस करने लग गई। वो उसके साथ इंटीमेट होने वाली थी, लेकिन कैथी ने उसे रोक लिया। इस बात से विकी को बहुत बुरा लगता है। अगले सीन में डोमिनिक को हम मैलो के साथ देखते हैं। मैलो डोमिनिक से कहती है, पिछली बार मैंने तुम्हें अपने बचपन की स्टोरी झूठ कही थी। एक्चुअल में जब मैं अपनी आंट को देखने के लिए गई, तब वो किसी और लड़की के साथ थी। रिसेंटली मैंने एक लड़की के साथ रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस किया है। डोमिनिक और मैलो की रिलेशनशिप थी, तो इस वजह से उसे बहुत ही अजीब लगता है। रात में कैथी को कॉल आया और उसे पता चला एक और मर्डर हो चुका है। इस बार जो मर्डर हुआ था ये मैलो का था। कैथी को जिस तरीके से मर्डर के बाद घर में बहुत अजीब तरीके की चीज़ें मिलती हैं, उन्हीं चीज़ों को वो ढूंढने लग जाती है। उसे एक सूटकेस में मैलो का नेकलेस मिला। एक बार विकी ने कैथी से बात करते करते कहा था कि मुझे एक लड़की का नेकलेस बहुत पसंद आया और इस वजह से मैं उसके साथ इंटीमेट हुई थी। उस नेकलेस का डिस्क्रिप्शन मैलो के नेकलेस से मैच करता है, तो कैथी का पूरा शक विकी पर हो गया था। शक होने के बावजूद विक्टिम को कनेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे कि उनका थेरेपिस्ट जिनका मर्डर हुआ था, उन सब का एक ही थेरेपिस्ट था, वो डोमिनिक था। अगले सीन में कैथी डोमिनिक से मिलने के लिए आ जाती है। डोमिनिक एक्चुअल में मैरी के साथ सेशन में था, लेकिन ये उसे बंद करना पड़ता है। मैरी यहाँ से चली जाती है। फिर कैथी डोमिनिक से पूछती है, क्या तुम्हारी पेशेंट बायसेक्सुअल थी? तो डोमिनिक ने हाँ कहा। जो भी मर्डर हो रहे हैं इनके पीछे एक सीरियल किलर है, इसकी साइकोलॉजी के बारे में वो डोमिनिक से पूछती है। कैथी को लग रहा था शायद जो मर्डरर है उसे भी बचपन में अब्यूज़ किया गया होगा। जनरली इस तरह के सीरियल किलर आदमी होते हैं। डोमिनिक ने कहा, ऐसा नहीं है, बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ही अब्यूज़ किया जाता है, तो शायद ये सीरियल किलर लड़की भी हो सकती है। इसके बारे में जब कैथी ने अपने कोवर्कर के साथ बात की, तो सबको लगता है थ्योरी बहुत ही गलत है। रात में हम डोमिनिक को फिर से देखते हैं। उसने लड़कियों की तरह ड्रेसअप किया हुआ था। वो अपनी इवनिंग एंजॉय कर रहा था और उसे मिलने के लिए मैरी आ गई। मैरी उससे कहती है, हमारा सेशन अधूरा रह गया था, अगर तुमने ड्रेसअप किया है तो मुझे इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसे डोमिनिक के बारे में सब कुछ पता था। वो फिर से अपने स्टेप फादर के बारे में उसे बता रही थी। वो कहती है, हमारे बीच में जो भी हो रहा था ये गलत था, लेकिन मैं इसे एंजॉय करने लग गई थी। इस वजह से वो बहुत ही गिल्टी महसूस कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं एक और मर्डर हो चुका था।
जब कैथी वहां पर पहुंची तो ये मर्डर विकी का था। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, वो रोने लग गई। इसके बाद उसके कोवर्कर वहां पर पहुंचते हैं, जिसमें से एक कोवर्कर ने कहा ये बहुत ही अजीब थी, अच्छा हुआ इसकी डेथ हो गई। जिसे सुनकर कैथी उसे मारने लगती है। जिस जगह पर विकी का मर्डर हुआ था ये किसी और की थी। उस लेडी से इसके बारे में पूछा जाता है वो विकी को कैसे जानती थी। उसने उनके ग्रुप के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। वो उससे पूछते हैं क्या विकी के साथ कभी तुम्हें अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। तब वो कहती है एक बार विकी मुझे अजीब से प्लेस पर लेकर गई थी, विकी उसके साथ जो करने वाली थी ये उसे अजीब लगा तो इस वजह से वो निकल गई। इसके बाद हम देखते हैं उस लेडी ने जो एड्रेस दिया था इस जगह पर कैथी पहुंच जाती है। ये एड्रेस एक जिम ट्रेनर का था जहां पर तीनों विक्टिम गई हुई थीं। वो ट्रेनर कैथी को अंदर नहीं आने दे रही थी। कैथी कहती है अगर मैं वारंट लेकर आई तो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी। कैथी जब उससे पूछताछ कर रही थी तभी एक आदमी इन पर गोलियाँ चलाता है। कैथी इससे बच जाती है लेकिन कैथी के कोवर्कर को गोली लग जाती है। कैथी जल्दी से उस आदमी का पीछा करती है और उसे गोली मारकर जख्मी कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं वो आदमी हॉस्पिटल में था। उसने गिल रेनॉल्ट के बारे में कन्फेस किया था। वो कहता है रेनॉल्ट ने अपनी वाइफ को मारने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे, ये सारी चीज़ें उसने रिकॉर्ड कर ली थी। अभी भी दूसरी लेडीज़ के मर्डर्स के बारे में इन्हें पता नहीं था। वो आदमी जिस घर में था उस घर में जाकर कैथी ने इन्वेस्टिगेशन की। वहाँ पर बेसमेंट में अलग अलग चीज़ें थीं, कैमरे के स्टैंड भी थे, वहाँ पर रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। इसके दूसरी तरफ हम देखते हैं डोमिनिक मैरी के साथ था। वो कहता है बचपन में तुम्हारे और तुम्हारे स्टेप फादर के बीच जो भी था इस वजह से तुम्हारी मदर के साथ रिलेशन ख़राब हो गए थे, इसकी गिल्ट तुम अभी भी महसूस करती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कैथी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उसे वहाँ पर एक टेप मिला। इस टेप में विकी, मैरी और डोमिनिक इंटीमेट हो रहे थे और इसी टेप में कैथी ने उसके एक कोवर्कर को भी नोटिस किया जिसने विकी के बारे में कहा था। कैथी फिर जाकर अपने कोवर्कर से बात करती है। वो कहती है तुम्हें इन सब की सज़ा मिलेगी। कोवर्कर कहता है मैं सिर्फ रिकॉर्ड करता था, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, ये सब अरेंज डोमिनिक ही करवाता था। अगले सीन में हम देखते हैं मैरी और डोमिनिक इंटीमेट हो रहे थे। मैरी फिर उसे अपने बचपन की कहानी सुनाती है। वो कहती है एक दिन मैं अपने स्टेप फादर के साथ इंटीमेट हो रही थी, मैंने अपनी मदर के ऊपर आने की आवाज़ सुनी, उसने हम दोनों को देख लिया और फिर से वो लिविंग रूम में चली गई। तभी उसे पता चला था उसकी मदर ने उसका सौदा किया है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, वो आज तक इस बात का बदला लेना चाहती है और वही इन सबको मार रही थी। ये कन्फेशन करने के बाद वो डोमिनिक को भी मार डालती है। बचपन के एक ट्रॉमा की वजह से वो सीरियल किलर बन गई थी। कैथी को डोमिनिक के बारे में पता था तो रात को वो उसके पास पहुंच गई। तब वो डायरेक्टली उसकी डेड बॉडी देखती है। घर में डोमिनिक का डॉग था जो कैथी पर हमला कर देता है। कैथी ने उसे लड़कर बाहर बंद कर दिया। तभी वहां पर मैरी आ गई। मैरी के हाथ में गन थी और उसने कैथी पर गोली चला दी। वो उसके पास आकर बैठ जाती है, वो उसे मारने वाली थी लेकिन उससे पहले ही कैथी ने उसे चाकू लेकर मार डाला। इसके बाद हम देखते हैं कैथी विकी के घर आई हुई थी। विकी ने कैथी से एक बार कहा था बचपन में हमेशा उसे अब्यूज किया जाता था। विकी ने यह भी कहा था अपनी जगह पर वो अपनी छोटी सिस्टर को वहां पर छोड़कर चली आई थी, इस वजह से वो गिल्टी महसूस करती थी। कैथी फिर विकी की सिस्टर को बचाने के लिए एक सोशल वर्कर के साथ उसके घर में पहुंच गई। विकी की सिस्टर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए और उस घर से बचा लिया गया। विकी की सिस्टर को घर में अब्यूज किया जा रहा था। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।